हेलो बच्चों, आप लोगों का आत्मा एकेडमी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट मेथड से किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना। देखिए, कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा है कि अगर कोई इस प्रकार से ट्रायंगल हो, एक कोऑर्डिनेट पढ़ चुके हैं आप, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री, और इसका एरिया निकालना हो, तो एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा है हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर इसी चीज को हम डिटरमिनेंट में लिखें तो कैसे लिखें, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आपको आता हो तो इसको लिखेंगे x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। जरा देखिए, इसको एक्सपेंड करिए, ये अलग से कहीं फॉर्मूला नहीं आया है, ये यही वाला फॉर्मूला है, थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है, उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया गया। देखिए, अगर इसके एलान खोलेंगे आप तो आएगा x1, ये रो कट गया, कॉलम कट गया, वाई टू माइनस वाई थ्री आ रहा है, माइनस एक्स टू, यहां माइनस होना चाहिए, चलिए यहां प्लस है। अगर माइनस एक्स टू करेंगे तो आएगा वाई वन माइनस वाई थ्री, और यहां वाई थ्री माइनस वाई वन है, तो यहां से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां माइनस हो जाएगा, प्लस एक्स थ्री करेंगे तो वाई वन माइनस वाई टू आ जाएगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब अगर यही देखिए, यही तीन पॉइंट कोलिनियर हो जाए, थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब संरेख, इफ थ्री पॉइंट्स आर, दूसरा है ये तो पहला फॉर्मूला हो गया आपका, इफ थ्री पॉइंट्स आर, थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर संरेख, इसको अगर हम मान लिया। देखिए, संरेख का मतलब क्या होता है एक रेखा में, तो सिंपल सी बात है, अगर एक लाइन में होंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया जीरो हो जाएगा। तो यही जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकाला है, इसको जीरो प्रूफ कर दीजिए। तो कोलिनियर के क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकते हैं, एक तो आपसे कहेंगे प्रूफ करके दिखाओ ये कोलिनियर है, पहली चीज। दूसरा आपसे कह सकते हैं कि ये कोलिनियर है, प्रूफ नहीं करना है, और है तो अपने आप जीरो कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला है। अब कुछ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखिए ध्यान से। एनसीईआरटी बुक आपके पास होगी, ना हो तो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज इसकी है 4.3, एक्सरसाइज है 4.3। देखिए, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप नाम दे दो एबीसी, तो ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 0, 6, 0 और 4, 3। तो इसके एरिया आपको निकालना है, इसको आप क्या मानेंगे, एक्स वन वाई वन, इसको मानेंगे एक्स टू वाई टू, इसको मानेंगे एक्स थ्री वाई थ्री। देखिए, यहां पर फार्मूला अप्लाई करना बहुत बड़ी चीज है, मतलब लोग फार्मूला भूल जाते हैं, ये दिक्कत है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जब फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ डिटरमिनेंट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री 1, 1, 1। अब वैल्यू रख दो, हाफ बाहर रहेगा। देखिए, एक्स वन क्या है 1, एक्स टू क्या है 6, एक्स थ्री क्या है 4, वाई वन क्या है 0, वाई टू क्या है 0, वाई थ्री क्या है 3, 1, 1, 1। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंशन में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी एक रो के लांग जीरो कर सकते हैं, खोल सकते हैं इसको, इसी के लांग खोल दो, क्या करो गड़बड़ करके, 1 बाई 2, ये ब्रैकेट है, ध्यान रखिएगा, पहले 1 लिखा हमने, जब 1 लिखा तो ये रो कट गई, ये कॉलम कट गया, मालूम है आपको, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3, फिर माइनस 6 लिखेंगे, ये रो कट गया है, कॉलम कट गया, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3,
जरा कैलकुलेशन गड़बड़ करिएगा। देखिए आपने वन लिखा तो ये रो कटा ये कॉलम कटा, इसका इसे मल्टीप्लाई हुआ जीरो, फिर माइनस लगाएंगे बीच में, वन थ्री जा थ्री, फिर माइनस सिक्स लिखेंगे, ये रो कट गया ये कॉलम कट गया, जीरो का वन से मल्टीप्लाई जीरो, माइनस थ्री बन जा थ्री, फिर प्लस फोर लिखेंगे आप, ये रो कट गया ये कॉलम कट गया, जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो, वन बाई टू ये आएगा माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस अठारह, और ये तो जीरो हो जाएगा आपका, तो आएगा वन बाई टू इंटू पंद्रह, तो फिफ्टीन अपॉन टू। अब प्रॉब्लम ये है इसकी यूनिट क्या दी जाए, क्योंकि यहां मीटर सेंटीमीटर कुछ तो दिया नहीं गया है, तो इसमें आप स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, मतलब तो जो भी इसकी यूनिट होगी स्क्वायर में, वर्ग इकाई यूनिट लिखेंगे, ठीक है। अगर हम चाहते तो हम इसके अलावा खोल सकते थे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस थ्री ये कट जाता तो वन माइनस सिक्स, ऐसे भी कर सकते थे आप। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट अपने आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, देखिए मैथमेटिक्स का मतलब होता है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सुना होगा, लेकिन एक और आगे वर्ड है राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट, लिखने से एग्जैक्टनेस आती है, बार बार लिखोगे तो एग्जैक्टनेस आएगी, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एबीसी तीन पॉइंट है, ए बी सी तीन पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है ए बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, और सी कॉमा ए प्लस बी, ये इसके कोऑर्डिनेट है, ये सी पॉइंट है। तो प्रूफ करना है दे आर कोलिनियर, यानी आपको इसे कोलिनियर प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है। तो उसके लिए हमने बताया जब प्रूफ करना हो तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, वैल्यू जीरो आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते, इसको हम एक्स वन वाई वन मानेंगे, इसको आप एक्स टू वाई टू मानेंगे, इसको आप x3 y3 मानेंगे। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो नहीं करेंगे आप, जीरो आना चाहिए, डिटरमिनेंट फॉर्मूला x1 x2 x3 y1 y2 y3 वन वन वन। देखिए हाफ x1 क्या है a, x2 क्या है b, x3 क्या है c, y2 क्या है b प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, वन वन वन। देखिए इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, लेकिन जैसा कि हमने बताया है डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के पहले कोशिश कर दीजिए कि थोड़ा सा उसमें प्रॉपर्टी लग जाए, थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है, कुछ कॉमन हो जाए कुछ जीरो हो जाए। साफ साफ दिख रहा है कि अगर इसको इसमें प्लस कर दें या इसको इसमें प्लस कर दें, यहां a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, c1 में एक ऑपरेशन करता हूं, c1 प्लस c2 कर देता हूं, c2 में प्लस कर सकता था। देखिए इसको मैं ऑपरेशन हमने किया, इसको प्लस कर दिया, तो इसको प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा हाफ, ये आएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये नहीं कहना साहब तो सी प्लस ए प्लस बी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू विल रिमेन द सेम। ये बी प्लस सी है, ये सी प्लस ए है, ये ए प्लस बी है, वन वन वन। अब क्या आपको दिख रहा है, पहले कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है तो हमने कॉमन निकाल लिया ए प्लस बी प्लस सी, यहां क्या आपका वन वन वन, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, वन वन वन। कुछ दिख रहा है, ये दो कॉलम आइडेंटिकल है और एक प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट होती है कि इसकी वैल्यू जीरो होती है। आप लिखेंगे एस सी वन एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो हो गई तो हेंस प्रूव्ड दैट एबीसी आर कोलिनियर, ये अपने आप प्रूफ हो गया कि एबीसी कोलिनियर। ये है सेकेंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया है और उसकी एरिया इन्होंने दे रखी है, ठीक है। तो देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए, हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी, इसका नाम दे दिया,
इसके कोऑर्डिनेट है के कॉमा जीरो, इसका कोऑर्डिनेट है फोर कॉमा जीरो, इसका कोऑर्डिनेट है जीरो कॉमा टू। इसको हमने माना एक्स वन वाई वन, और इसको माना एक्स टू वाई टू, और इसको माना हमने एक्स थ्री वाई थ्री। तो ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ट्राइंगल इज फोर स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज फोर स्क्वायर यूनिट, यानी इस जो इसे ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका एरिया फोर स्क्वायर यूनिट दिया गया है। ठीक है, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, क्योंकि तो बार बार हम रिपीट करते हैं फॉर्मूले को तो अपने आप मेमोराइज हो जाता है। ठीक है, तो ये है एक्स वन, ये है एक्स टू, ये है एक्स थ्री, वाई वन वाई टू वाई थ्री वन वन वन। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया गया है फोर, तो इसकी जगह फोर लिख दीजिए, वन बाय टू। एक्स वन क्या है के, एक्स टू क्या है फोर, एक्स थ्री क्या है जीरो, वाई वन क्या है जीरो, वाई टू क्या है जीरो, वाई थ्री क्या है टू वन वन वन। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए उठा करके, इसको एक्सपेंड करने के पहले ये जो हाफ है ना इसका टू इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका एट। इसको फर्स्ट वैसे तो इसके अलावा हम खोलेंगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां के लिखेंगे, ये रो कट गई, ये कॉलम कट गया, जीरो माइनस टू, जीरो माइनस टू, फिर प्लस, फिर माइनस फोर लिखेंगे, ये फोर है, ये रो कट गई, ये कॉलम कट गया, जीरो इंटू वन जीरो, माइनस टू इंटू वन टू, प्लस जीरो लिखेंगे तो जीरो माइनस जीरो जीरो रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया एट इज इक्वल टू माइनस टू के, ये प्लस का एट, एट को इधर ले आओ, तो एट माइनस एट इज इक्वल टू माइनस टू के इज इक्वल टू जीरो, के की वैल्यू आ गई जीरो। यहां पर के की वैल्यू क्या आएगी जीरो। एक बार कैलकुलेशन रूप से कर लीजिएगा, कभी कभी गलती हो जाती है लिखने में ये। अच्छा एक चीज हो, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, आपका माइनस में आ गया, माइनस सिक्स आ गया, और आंसर प्लस सिक्स है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू ले दीजिएगा। अब आपके क्यों फर्क नहीं पड़ता भाई, वो तो मेरा तो माइनस में आया है। एक्चुअली एक्स वन वाई वन जो एज्यूम किए हैं ना आपने, वो आपने एज्यूम किए, आप जिसको एक्स वन कर रहे हो एक्स वन वाई वन, हो सकता है मैंने उसको एक्स टू वाई टू किया हो, तो आप जिसको वाई टू माइनस वाई वन कर रहे हो मेरा वाई वन माइनस वाई टू आएगा, तो ये ऑर्डर चेंज होने से वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट भी सेम है, वहां पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल फोर स्क्वायर यूनिट है, और वहां भी आपको के की वैल्यू निकालनी है। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, बाई यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन कॉमा टू एंड थ्री कॉमा सिक्स। देखिए दो पॉइंट है, एक है वन कामा टू और थ्री कामा सिक्स, इनसे होकर के एक लाइन पास हो रही है, उसका इक्वेशन निकालना है, उसका समीकरण निकालना है। अब प्रॉब्लम यह है कि भाई ये दो पॉइंट कहीं भी हो, एक लाइन तो इससे जानी जानी, चाहे यहां भी मान लो चाहे जहां भी मानोगे, दो पॉइंट को मिला दोगे आपको लाइन तो मिलेगी। ठीक है, अब कैसे इक्वेशन निकाले हैं, तो मेरे पास वैसे दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन है, लेकिन मुझे डिटर्मिनेंट का यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर अपने आप एक थर्ड पॉइंट मान लेंगे x कामा वाई, ये जनरल पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, यहां नहीं हो सकता क्योंकि लाइन ऐसे नहीं आएगी, उसी लाइन पे आप मानेंगे। ठीक है, तो हमने सी पॉइंट मान लिया इसी लाइन पे, और आप यहां देख रहे हो कि हियर ए बी सी आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, ये कोलिनियर हो गए, संरेख हो गए, और कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, जीरो होगा, प्रूफ नहीं करना है, मैंने माना है। देखिए एक होता है कि प्रूफ करके दिखाओ, तो हम निकालेंगे वैल्यू जीरो आनी चाहिए, मैं मुझे प्रूफ नहीं करना है, यहां मैंने ही इस लाइन पे मान रखा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन 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 और इक्वल टू जीरो। हाफ उधर ले जाओ, काम खत्म, मैं लिखा रहे तो फिलहाल एक्स वन, ये आपका एक्स वन वाई वन है, तो एक्स वन हो गया वन, एक्स टू हो गया थ्री,
एक्स थ्री हो गया एक्स, वाई वन हो गया टू, वाई टू हो गया सिक्स, वाई थ्री हो गया वाई वन 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 इज इक्वल टू जीरो। इस हाफ को उधर ले जाओ तो हाफ जाएगा उधर तो वैल्यू उधर जीरो हो जाएगी, तो वन थ्री एक्स टू सिक्स वाई वन 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 इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसको खोलने के लिए हम वैसे तो हमने कहा कि किसी भी कॉलम के अलावा खोल दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करिए, अधिक से अधिक जीरो आने चाहिए, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, फायदा क्या होगा यहां दो जीरो हो जाएंगे। तो आप करेंगे क्या, पहली रो में एक ऑपरेशन करेंगे आर वन माइनस आर टू और दूसरी रो में एक ऑपरेशन करेंगे आर टू माइनस आर थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, वन में थ्री माइनस करोगे आएगा माइनस का टू, टू में सिक्स माइनस करोगे आएगा माइनस का फोर, वन में वन करोगे आएगा जीरो, थ्री में एक्स को करोगे तो थ्री माइनस एक्स, सिक्स में वाई करोगे तो सिक्स माइनस वाई जीरो, ये आएगा एक्स वाई वन। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए किसके अलावा, थर्ड कॉलम के अलावा करिएगा क्योंकि हमने जीरो वहां किया है, आप लिख दीजिए चाहे एक्सपेंडिंग अलोंग सी थ्री, एक्सपेंडिंग अलोंग सी थ्री, इसके अलावा देखो प्लस माइनस प्लस, ठीक जीरो लिखेंगे प्लस में, अब ये कटेगा ये माइनस होगा मल्टीप्लाई होगा तो जीरो रहेगा, फिर माइनस जीरो लिखेंगे तभी जीरो रहेगा, प्लस वन लिखेंगे, वन लिखेंगे क्या होगा, ये रो कट गई ये कॉलम कट गया, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, माइनस टू का मल्टीप्लाई हुआ सिक्स माइनस वाई से, फिर माइनस लगा, फिर माइनस फोर का मल्टीप्लाई तो प्लस फोर कर दो, का मल्टीप्लाई हुआ थ्री माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, इसको खोल दीजिए, तो माइनस का ट्वेल्व प्लस का टू वाई प्लस का ट्वेल्व माइनस का फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो कट गया, तो टू एक्स टू वाई प्लस माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, टू से डिवाइड कर दो तो वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आपने ये इक्वेशन निकाली, ठीक है, आपको कैसे मालूम एग्जाम में सही है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया भाई, तभी हम कंफर्म करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है, मेरे पास पॉइंट है वन टू थ्री सिक्स, एक को लिया एक्स वन वाई वन एक को एक्स टू वाई टू। अब हमें टेंथ क्लास में बताया गया है कि दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास होती है तो इसका इक्वेशन होता है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, तो वाई माइनस वाई वन इज वॉट टू, वाई टू सिक्स माइनस वाई वन इज टू, थ्री माइनस वन एक्स माइनस वन, ये आएगा वाई माइनस टू इज इक्वल टू, ये आएगा फोर अपॉन टू इज एक्स माइनस वन, टू टू या फोर वाई माइनस टू इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू, माइनस टू कट गया वाई इज इक्वल टू टू एक्स। तो ये अपने चेकिंग के लिए है, करना नहीं आपको एग्जाम में, लेकिन अपने चेकिंग के लिए है कि आई एम करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का सेकेंड पार्ट भी यही करना है, दो पॉइंट दिए गए हैं और उनसे होकर के पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है, सेम क्वेश्चन इज देयर यू डू बाय योरसेल्फ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में तीन पॉइंट दिए हैं, ए दिया है टू कॉमा माइनस सिक्स, बी दिया गया है फाइव कॉमा फोर और सी दिया गया है के कॉमा फोर, और कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए इसको आप क्या एज्यूम करेंगे, एक्स वन वाई वन, इसको आप करेंगे एक्स टू वाई टू, इसको आप करेंगे एक्स थ्री वाई थ्री। तो ये यहां दिया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कितना दिया गया है 35, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ। अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, एक्स वन टू हो गया, एक्स टू फाइव हो गया, एक्स थ्री के हो गया। अब आप ना कहिएगा मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, जितनी बार क्वेश्चन आया उतनी बार लिखिए, ठीक है, इट विल बी प्रैक्टिस। वाई वन इज माइनस सिक्स, वाई टू इज फोर, वाई थ्री इज फोर और वन 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 इक्वल टू 35, हाफ वाला टू उधर ले जाओ तो आएगा टू
फाइव के माइनस सिक्स फोर फोर वन 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 इक्वल टू सेवेंटी। देखिए एक्सपेंशन तो सिंपल कर सकते हो, लेकिन बार बार हम कहते हैं कि कोशिश से करिए कि आप वैल्यू एक्सपेंड करने के पहले कुछ प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, आर वन में एक ऑपरेशन करिए। अब आप कहेंगे ना करें तो तब भी आ जाएगा, और यहां पर गलत माना भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर इसकी प्रॉपर्टी लगा के कुछ प्रूफ नहीं करना है, यहां पर इसको एक्सपेंड करके के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको छोटा करने के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जीरो आ जाएंगे तो ठीक है, तो एक्सपेंशन इसी हो जाएगा। और आर टू में मैंने ऑपरेशन किया आर टू माइनस आर थ्री, बार बार एक कंफ्यूजन होता है कि आर वन में आर टू माइनस करो जीरो आ जाएगा, आर टू में आर थ्री करो जीरो आ जाएगा, आर थ्री में आर वन करो तो फिर जीरो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब मैंने आर वन में आर टू माइनस किया है तो ये वैल्यू चेंज हो गई, जीरो हो गई, तो ये क्या हो गया, इसमें से इसको माइनस किया है तो आएगा माइनस का थ्री, इसमें से इसको माइनस किया है तो ये माइनस का टेन, यहां जीरो, इसमें से इसको माइनस किया है तो फाइव माइनस के, इसमें से इसको माइनस किया है जीरो, ये जीरो, इसमें से सॉरी ये के फोर वन इज इक्वल टू सेवेंटी। आप इसका एक्सपेंशन किसी भी कॉलम या किसी भी रो के लाइन कर दीजिए, लेकिन यहां पर दो जीरो आ रहे हैं तो इसके लाइन भी कर सकते हो, इसके लाइन भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। मैं फिलहाल एक्सपेंडिंग अलॉन्ग सी थ्री कर रहा हूं, तो ये जीरो होगा, माइनस जीरो होगा, प्लस वन होगा, वन आएगा, रो कटेगा, कॉलम कटेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, माइनस, फिर माइनस का टेन तो प्लस का टेन, मल्टीप्लाइड बाई फाइव माइनस के इज इक्वल टू सेवेंटी, इसको खोल दीजिए तो ये आएगा फिफ्टी माइनस टेन के इज इक्वल टू सेवेंटी, टेन के माइनस का उधर ले जाओ, सेवेंटी इधर ले आओ, तो फिफ्टी माइनस सेवेंटी इज इक्वल टू 10 के, यह आएगा माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू 10 के, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2, तो इस प्रकार से इसको निकालेंगे। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये एक तरीके से एक एप्लीकेशन है डिफरेंस वो डिटरमिनेंट का, उसका यूज करना है। हमने आपको को फैक्टर माइनस पढ़ा दिए हैं, अब अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट ईयर, ओके, थैंक यू।